हेलो दोस्तों, आज वीडियो उन लोगों के लिए बनाया गया है जो लोग केबल कंपनी में काम करते हैं, एक्स्ट्रा लाइन पे एक्स्ट्रा ऑपरेटिंग करते हैं, उन लोगों के लिए बनाया गया है ये वीडियो। केबल का ऊपर जैसे मीटर मार्किंग सेटिंग करते हैं ना, तो वो प्रिंटिंग का मशीन का ऊपर मैं ये वीडियो बनाया हूँ, कैसे ऑपरेटिंग किया जाता है प्रिंटिंग मशीन। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको प्रिंटिंग स्टार्ट करना बोल तो ये जो स्विच है ना, ये स्विच ऑन करना पड़ेगा। ये ऑन करने के बाद ये स्विच दबाना, तभी ऑन होगा। और ये ऑन होने के बाद आप उसके बाद स्टार्ट करना, और 4 मिनट लगता, 4 मिनट के बाद ये ऑन हो जाएगा। और ऑन होने के बाद अब जब प्रिंटिंग आपको ये बता रहा है कि पावर ऑन हो गया, मतलब पूरा हो जाएगा ये रेडी, बोल दो प्रिंटिंग रेडी होगा। और इसको करने के लिए मैं दिखाता हूँ, आपको रनिंग करना पड़ेगा इसको, पुश की टू स्टार्ट, रनिंग हो जाएगा। देखिए रनिंग हो गया रेडी। ये सॉल्वेंट एम्प्टी है बोल के ये लाल बता रहा है, नहीं तो ये वाइट रहेगा। ओके है, चलिए अभी हम मैसेज कैसे लिखते हैं, आप कौन सा भी मैसेज केबल का ऊपर टाइप करना चाह रहा है, प्रिंटिंग में कैसे लिखना पड़ेगा, कौन सा इमेज सही है केबल में। अभी केबल में सिर्फ ये इमेज है, सिर्फ मीटर मार्किंग, तो चलिए ठीक है, हम मीटर मार्किंग लिख के देखते। सबसे पहले आपको मैसेज में जाना पड़ेगा, मैसेज जाने के बाद मैसेज एडिट ये करने के बाद आपको, मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मैं हटा देता हूँ उसको, हट गया। अभी हमको इस यहाँ पे लिखने आए मैसेज, तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये सिक्वल नंबर पे चला जाएंगे, जाके वो स्टार्ट है ना, स्टार्ट बटन पे दबाएंगे। दबाने के बाद अभी हम लिखेंगे यहाँ पे, हो गया। लिखने के बाद ओके ओके करना, हो गया। और अभी आपको यहाँ पे कुछ सेटिंग है जो हम यहाँ ही इसको सेट कर सकते हैं। चलिए अभी ये तो छोटा आएगा पेंटिंग, इसको पेंटिंग को बड़ा करना है, तो ऑप्शन पे जाना, ऑप्शन पे ओके करना। करने के बाद देखिए फॉन्ट साइज और ये बोल्ड, ये दोनों में छोटा बड़ा होता, कि फॉन्ट साइज बोल तो बड़ा होगा और ये बोल्ड बोले तो आपका नंबर फ्लैट हो जाएगा, ठीक है। अभी हमको फॉन्ट साइज ही करना है क्योंकि 12 में बराबर आता है, आपको जितना सही है इतना लगा सकता है। देखिए कितना तक है, 5 से चालू है, 5 से लेकर आप ये 32 तक लगा सकता है। अभी एक केबल में 12 ही बहुत है, 12 ओके किया, हो गया फॉन्ट साइज। आपको अभी ये यहाँ पे सेट करना पड़ेगा, फिर दोबारा एक्सिट आए, उसके बाद आपको टिगर, टिगर पे आपको ऑन करके रखना पड़ेगा, फिर दोबारा दबाइए। ये टिगर ऑन करके रखे तो क्या है, आपको कीपैड टिगर ऑन करके रखे तो आप कीपैड टिगर से ज़ीरो हो जाएगा। अभी रनिंग पे आपको 1000 आ गया, उसके बाद आपको काउंटर ज़ीरो होना, तो कैसे करना, ये ऑल अड ये टी, ये अल्टी दबाने से, दोनों साथ में दबाने से आपको ज़ीरो हो जाएगा तुरंत। रनिंग में 0-0 सही है, 1000 में कटिंग हो गया, आपको 0-0 सही है, तो अल्टी दबाना। और इसके लिए क्या है, कीबोर्ड टिगर करना, ये कीबोर्ड टिगर इसमें ओके करना और सिलेक्ट करना, हो गया। सिलेक्ट करने के बाद कैंसिल करना, एग्जिट करना, फिर आप वापस आ जाना, आ गया। और आपको ये बड़ा हो गया ऑलरेडी, आपको अभी एम सही है, मीटर
एम आना, वो एम आना बोल रहे हो, इसको आप थोड़ा स्पेस ले लेना, क्योंकि इसको 12 करने के बाद नहीं तो दोनों इसका ऊपर आ जाएगा, इसलिए इसको थोड़ा स्पेस लगाया। और स्पेस थोड़ा ले लीजिए, स्पेस क्या करने के बाद आपको क्या करना, उसको भी एडिट ही करना, एडिट करना, टेक्स्ट में जाना, टेक्स्ट में जाके यहाँ पे एम लिखना, एम लिखा, लिखने के बाद दोबारा ओके करना, फिर ऑप्शन पे जाना, ऑप्शन पे जाने के बाद इसको सिलेक्ट करना, सेम प्रोसेस, आप कितना लगाया था उसका हिसाब से ले लेना, हम 12 लगाए थे, हम 12 ही ले लेते, 12 ले लिया, कॉन्सेप्ट सिलेक्ट किया, हो गया, देखिए एम भी हो गया। तो पहले बोला था ये क्या है, थोड़ा स्पेस नहीं लिए तो ये शर्ट जाता है, ये देखिए थोड़ा इसके साथ में आ गया, तो हमको थोड़ा और गैप चाहिए, इसको फिर डिलीट कर देता हूँ मैं, डिलीट करने के बाद और थोड़ा एक स्पेस ले लेता हूँ, बस और थोड़ा ले लेता हूँ, बस अभी वो सेम है, वो थोड़ा पास में आ गया बोल के, फिर मैं इसको थोड़ा दूर लेके सेटिंग कर रहा हूँ। ये देखिए ये दवाई है, 12 आ गया, सॉरी दोस्तों नहीं हो रहा है, दोबारा जाना, थोड़ा ज़्यादा ले लेंगे इसके सामने, ज़्यादा स्पेस लेंगे इसमें, ओके करेंगे, टैक्स में जाएंगे, फिर एम लिखेंगे, फिर आपको यहाँ पे ओके करेंगे, फिर यहाँ पे आके ऑप्शन पे ठीक है, हो गया। उसके बाद अभी हम लोग करेंगे बैक, बैक करने के बाद फिर दोबारा बैक, अभी मैसेज में सेव कर देंगे, हो गया सेव, आपका मीटर सेव हो गया, फिर होने के बाद एग्जिट करेंगे, फिर दूसरा सीखेंगे, अभी दूसरा क्या सीखना है, अभी बाइसेस आपका, ये बाइसेंस आपका अभी लाइन क्या होना, आपको मीटर मार्किंग थोड़ा कम आ रहा है, इसको ज़्यादा करना, नहीं तो ज़्यादा आ रहा है, इसको कम करना बोल रहा है, आपको लाइन सेटअप में जाना, जाके टिगर में जाना, टिगर में जाके यहाँ पे कर सकते हैं, आपको जितना सही लगा के ओके किए तो सिलेक्ट किए तो आ जाएगा, ठीक है। फिर दोबारा पीछे आएंगे, दूसरा एक सीखेंगे, फिर आपको ये जो है अभी 500 से स्टार्ट करना है, आपको कैसे करेगा, नहीं बीच में आपको गड़बड़ हो गया, को थोड़ा जाम करना है तो कैसा, तो कैसे करेंगे हम लोग, ये प्रिंटिंग सेटिंग में जाके यहाँ सीक्वेंस नंबर है ना, सीक्वेंस नंबर में चला जाना, ये इसमें जाके फिर आपको यहाँ पे, एक्चुअली यहाँ पे क्या होता, ये जब प्रिंटिंग चालू रहता तब नहीं आता, उसको पुश कर लेना, पुश करके उसको आप फिर सेटिंग में गया, सेटिंग में जाने के बाद आप किधर गया, सीक्वेंस नंबर पे गया, उसको ओके किया, ओके करने के बाद आपको जितना सही है इतना लगा लेना, अब हमको 500 सही है तो 500 लगा लेता हूँ, ये उसके बाद ओके करना, ओके करने के बाद हो गया 500 आ गया, देखिए 500 आ गया। और ये जो बता रहे हैं इसमें इंक डालने के बाद ये कोड मारने के लिए बता रहे हैं, शेफवेल कोड, ये कोड मारने के लिए ये मैसेज आ रहा है, तो कोड कहाँ रहेगा, जो आप इंक डालेगा नहीं तो आप सॉल्वेंट डालेगा उसमें रहता है, जो आपको सही है वो डालेगा, ये कोड है, ये कोड मारने के बाद आप फिर आपको यहाँ पे ब्लैक हो जाएगा, ये ओके जो दिख रहा है वाइट है, अभी दवाई तो नहीं होता, ये जब ब्लैक हो जाएगा, ब्लैक होने के बाद ये दवाई तो अपने आप यहाँ पे लिखने के बाद ये ब्लैक हो जाएगा, उसके बाद ये दवाई तो ओके हो जाता, और उसके बाद ये मैसेज चला जाएगा आपका, तो और ये जो सॉल्वेंट एम्प्टी है ना ये भी चला जाएगा, आपको वाइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आज वीडियो में इतना ही तक है, आप लोग
समझ गया होगा, कुछ डाउट है तो कमेंट करके आप लोग मुझे पूछ सकते हैं, तो हम आपको कमेंट में बताएंगे, ठीक है। दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलना, और साथ में बेल आइकन भी दबा देना।